नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूं आप प्रसन्न होंगे और परमात्मा से सदैव यही कामना है कि आपको अनगिनत खुशियां परमात्मा प्रदान करे। मित्रों, मैं ज्योतिषी हूं और 20 वर्ष से अधिक समय से ज्योतिष पर कार्य कर रही हूँ। लाखों लोगों को मैं परामर्श दे चुकी हूँ, तो आप भी ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी हुई होती है, उसके थ्रू आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज मैं बहुत ही खास जानकारी आपको देने जा रही हूँ। आज मैं बता रही हूँ कि झूठे बर्तन उठाने से क्या होता है। मित्रों, झूठे बर्तन किसे उठाने चाहिए और किसके झूठे बर्तन आपको नहीं उठाने चाहिए, आज के वीडियो में यही जानकारी मैं देने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप काफ़ी पसंद करेंगे। मित्रों, झूठे बर्तन जिसमें हमने कुछ खाया है, वो बर्तन उठाकर और किचन में वॉश बेसन में रखना, सिंक में रखना। कई बार ये बर्तन भी मुसीबतों का कारण बन जाते हैं। ये किस तरह से, मैं बताती हूँ आपको। जैसे कि यदि किसी व्यक्ति ने कोई व्रत किया है और व्रत करने के बाद वो अपने झूठे बर्तन स्वयं ना उठाकर किसी और के द्वारा उठवाता है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो उसने व्रत किया है उसका पुण्य उस व्यक्ति को लगता है जिसने कि झूठे बर्तन उठाकर रखे हैं। तो आप जब भी कोई व्रत खोलें तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि वो बर्तन या तो आप स्वयं ही उठा के रखें, या कोई आपका परिजन जो कि आपका प्रिय है और आप चाहते हैं आपका पुण्य उसे लगे, तो उसको भी उठा के रखने दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा माँ बच्चों के बर्तन उठा के रख सकती है, पत्नी पति के बर्तन उठाकर रख सकती है, बड़े बुजुर्गों के बर्तन भी उठाकर रख सकती है। लेकिन किसी परिस्थिति में पति के बर्तन भी उठा के नहीं रखने चाहिए, सास ससुर के बर्तन भी उठा के नहीं रखने चाहिए। वो कैसे, मैं बताती हूँ आपको। कई घरों में स्त्री का बहुत शोषण किया जाता है, उसे दबाया जाता है। तो यदि आपका शोषण हो रहा है और आपको दबाया जा रहा है, तो झूठे बर्तन उठा के रखने से आप हमेशा दबते ही चले जाओगे। तो इसलिए आपको कभी भी ऐसे लोगों के झूठे बर्तन नहीं उठाने चाहिए जो आपको मन में कोसते हैं, आपका बुरा चाहते हैं। आप इसका कोई भी रास्ता निकाल लीजिए, लेकिन उनके झूठे बर्तन कभी ना उठाएं। इसके अलावा यदि किसी का पति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, डाइवर्ट है, तो ऐसे पति के झूठे बर्तन पत्नी को नहीं उठाने चाहिए। बल्कि एक काम करना चाहिए कि जब भी पति भोजन खाए तो उस भोजन को स्वयं के द्वारा झूठा करके ही पति को परोसे। मतलब भोजन में से एक बाइट या कोई भी एक चीज़ स्वयं खाए, गिलास में से पानी स्वयं पिए और फिर वो पति को देवे। ऐसा करने से पति रास्ते पर आता है और महिला का शोषण भी नहीं करता, बल्कि उसको एक इंसान समझता है। क्योंकि आप किसी के प्रति डेडिकेटेड हो तो वो वहीं तक हो जबकि वो व्यक्ति भी आपको समझे। अगर कोई व्यक्ति आपका अपमान करता है, शोषण करता है, आपको एक इंसान भी नहीं समझता, तो ऐसे पति को सबक सिखाने के लिए आप ये टोटका जरूर करें और ये उपाय जरूर करें। और अपने झूठे बर्तन पति से ही बोलें कि वो स्वयं अपने झूठे बर्तन किचन में जाकर रखे, आप उनके झूठे बर्तन ना उठाएं। क्योंकि अगर आप उनके झूठे बर्तन उठा के रखेंगे तो वो हमेशा आपको पैर की जूती समझेगी। स्त्री पैर की जूती भी बन जाती है। मैं बताऊं आपको, स्त्री पैर की जूती बनने में भी गौरव का अनुभव करती है। वो कब, जब पति पूरी दिलो जान से उसको प्यार लुटाए। पति प्यार तो कहीं और लुटाए, पैसे के नाम पर कुछ दे नहीं उसको, और फिर स्त्री अगर पैर की जूती बनती है तो वो अपना ही बुरा करती है। कई घरों में मैंने देखा है कि पति के द्वारा औरत शोषित होती है, सास ससुर का भी व्यवहार अच्छा नहीं होता है। तो ऐसी महिलाएं अपने आत्मगौरव और आत्मसम्मान के लिए भूलकर भी झूठे बर्तन ना उठाएं। इसके अलावा जब आप किसी के घर में जाते हैं, कुछ काम वगैरह, कोई फंक्शन है किसी के घर में, तो वहाँ पर अगर आप किसी के, जैसे ब्राह्मणों को भोजन कराया है, छोटे बच्चों को, कन्याओं को भोजन कराया है, तो ऐसे लोगों के पत्तल दूने या झूठे बर्तन उठा के रखने से पुण्य की प्राप्ति होती है। किसी निर्धन मनुष्य को, किसी गरीब मनुष्य को भी यदि आप भोजन कराते हैं, आपने घर में बुलाया है, तो उसको छोटा बड़े की श्रेणी में ना रखें, उसको सिर्फ एक इंसान समझें और सम्मानपूर्वक उनके भी झूठे बर्तन उठा के आपको रखने से अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।